बाबा तुम वायरल हो गए हो, देख लो क्यूट तो है ही बाबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपनी मायके, मतलब कि लोहागढ़, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोगों ने पैकिंग कर ली है। वहाँ जाने से पहले मम्मी ने कहा था कि अभी से मत पहनो रंगीली पिछौड़ी, जो हम लोग के उत्तराखंड में ट्रेडिशन होता है। हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है कि जो भी हो रहा हो, जैसे सपोज बर्थडे हो रहा हो, पूजा हो रही हो, कुछ भी हो रहा है, हम लोगों को पूरे गहने और जो हमारी पिछौड़ी है, जो आपने शादी में मेरी वीडियोस में देखा होगा, बहुत पसंद करी थी आप लोगों ने, जिसमें मैंने वाले गाने में बनाई थी एक गजीना मोल मोल तेरो है सुनो मेरी गजीना, इस वाले सॉन्ग पे जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने पहनी थी वो वाली। तो वही मैं पहनूंगी, बट अपने मायके में जाते ही पहनूंगी। उससे पहले मैं संदीप जी को तैयार कर लेती हूँ। पहले संदीप जी, आप कभी सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, कितनी टैनिंग हो गई है, हम दोनों के फेस को देखो एक बार मिरर में। चलो आ जाओ। मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ तो उससे टैनिंग नहीं होती है, बट आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो। मेरे को काला कुर्ता ज्यादा सही लग रहा है। हम इसमें मैच कर रहे हैं, देखो येलो एंड रेड मैच हो रहा है यार। हेयर्स बीमारी हो रही होंगी, कैसे पकड़ा तुमने? उप्स, हाँ मैंने लहंगे में पकड़ लिया था, वो तो 15-20 किलो का तो लहंगा ही था। ऊपर से मेरा वेट कितना होगा? होगा कम से कम 60 किलो। नहीं 60 किलो मार खाओगे। कितना है फिर? 47? 47 भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें सनस्क्रीन लगा दूँ। इधर आओ। कभी सनस्क्रीन नहीं लगाता। परसों मैंने डी टैनिंग करी थी फेस में। मेरे को चिपचिप लगता है ना, इसलिए मैं लगाता ही नहीं हूँ। कुछ भी हो रहा हो, अपनी फेस की केयर तो करनी ही पड़ती है। इस टैटू में भी मैं सनस्क्रीन लगा देती हूँ ताकि ये कभी खराब ना हो। क्या हो गया? हर्षो को निश्वास लग रही है? मेरे को निश्वास नहीं लग रहा, भाभी को निश्वास लग रहा है। मैंने क्या यार, एक दिन के लिए तो जा रहे हैं बैंगर दुखा में। हर्षो को हो रहा है, मैं कहता क्यूट लग रहा हूँ आज। मैं ये सोच रहा हूँ मैं अब क्या करूंगा हवाबाजी यहाँ। तो चलो फिर चलते हैं। चीं करूंगा, अरे मैं खुश हूँगा यहाँ हवाबाजी करने में। जरूर बाय, कल मिलेंगे। हाँ 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 दीदो, कल मिलेंगे। हाँ बाय 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 बाय। चलो मम्मी, ये पिटिया की थाली लेके कहाँ जा रहे हो? तेरे को लगाना था। छोटा सा लगाना। जा रही हूँ। हानी कुछ कह रहे थे आप? कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। बोलो ना प्लीज। एक हफ्ते से कह रहा हूँ मैं, तुम तैयार हो और कहाँ यहाँ तैयारी, खुद को ही नहीं सवार सकते हैं। और ऐसा बोल रहे पापा। और कह रहे थे एक बजे, अगर मैं नहीं होता तो ये पापा मैं नहीं होता तो एक बजे तक तैयार भी, एक बजे तक तैयारी नहीं हो पाते कोई। अब इनको अभी चाहिए सब कुछ, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, नेल पॉलिश सब कुछ। ये पता था कि हम तीन तारीख को जाने वाले हैं। पता था कि तीन तारीख को जाने वाले हैं। तीन तारीख को जाने वाला है, एक हफ्ते से कह रहा बेटा साड़ियाँ लानी है ना, जा रहे डेली बाजार। कब रहे? शनिवार को जब दुकान बंद होती है। पापा तुम वायरल हो गए हो, देख लो, कल मैं बता रही हूँ तुम्हें। पापा तो अंदर हुए तुम्हारे हो। तुम्हारे पापा ओहो, हेलो तुम्हारे हेलो गाइस। पापा को लोग क्यूट कहते हैं। हाँ क्यूट तो है ही पापा, है ना? आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। पापा तो क्यूट है। अभी पापा को मस्का लगाना है ना। पापा को क्यूट बनना ही पड़ेगा। हेलो हेलो। हाँ कामनी, मम्मी है वो? हाँ बेटा प्रणाम। मम्मी हम लोग सब निकल गए हैं, रास्ते में पहुँचे हैं। ऐसा है ना, ये एक हफ्ते से कह रहा हूँ दोनों बच्चों से, बाबू साड़ियाँ खरीदनी है घर के, और जा रहे हैं शनिवार को, और जा रहे हैं वहाँ से कह रहे हैं कि पापा साड़ियाँ नहीं मिल रही। अब तुम अपनी तैयारी करो, अपना बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयारियाँ रहो, और गेट पर रहना फर्स्ट क्लास, सामने के गले लगना। हाँ, और सिर में एक परात रखे रहना, उसमें एक केला एक सेव रखे रहना। हाँ ठीक है, और ये तुम्हें सेव खिलाएगी या केला खिलाएगी, क्योंकि मैं खजूरे नहीं बना पाया, नहीं तो खजूरे खिलाना पड़ता है। गाइस आप लोग खाते थे ये फन पॉप? ओ यस, मैं तो बहुत खाती थी जब मैं स्कूल में थी। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मैं बैग से निकाल के ऐसे करके बैठ जाती थी। पहले चापट आता था, चापट हो गया, सोनपरी, गुरु चेला, और एक चूरन ढूंढते रह जाओगे। तो दोस्तों हम ऑलमोस्ट चंपावत पहुँचने ही वाले हैं। ये देखो चंपावत है अपना 20 किलोमीटर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं लोहा घाट मेघालोंग के वहाँ पे, जो कि मेरा ससुराल है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, हमारी कुछ रस्म है जहाँ पर साड़ियाँ देनी पड़ती हैं। तो मम्मी लोग गए साड़ी लेने के लिए और मेघा गई है चूड़ी लेने के लिए। उसके बाद चूड़ी नहीं है और मैं ले आता हूँ तब तक मिठाई, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 11 बज चुके हैं। ऊपर से कल सैटरडे था तो हम कल ले नहीं पाए, तो मिठाई मैंने ले ली है। और वो लोग खड़े हैं, देखो मम्मी पापा लोग
अब मैं वहाँ पे जाता हूँ। पता है क्या हुआ आज? मैं तो कैमरे ले जाना भूल गई, मुझे बड़ा मलाल लगा। सीरियसली मैं जब चूड़ियों के शोरूम में गई ना अंदर, वो कह रहे दुकानदार कह रहे, मेरा भांजा मुझे फोन करके कह रहा था कि मामा तुम्हारी दुकान में वो मेघा चौबे आती है, जब भी आएगी मुझे कॉल कर देना। खुश हो रखे वो लोग। हाँ एक लेडी ने क्या किया, मैंने जैसे चूड़ियाँ लिए वाली, हाँ उसने पूरा सेट बनवा दिया था भैया से, हाँ मेहनत करवा के आधे घंटे से, उसने जैसे मेरे हाथ में चूड़ी देखी वो उसने सेट कैंसिल करवा दिया, कह रही मुझे ये चूड़ियाँ पसंद आ रही है, उसने यही चूड़ियाँ खरीदी। फिर ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ो और तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। मैं तो तुम्हें विधायक बनाना चाह रहा हूँ। नहीं यार सोचो, सब तुम्हें सलाम करेंगे। मैं जब से मिर्जापुर और ये सब देख चुकी हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। खाली कहानियों में होता है, असली में तो ना होता है। हर एक मूवी में होता है वो मूवियों में ही तो होता है। मूवियों में नॉर्मल जिंदगी दिखाएंगे तो मूवी चलेगी कैसे। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मेघा के घर में और ये देखो मेघा रेडी हो रही है, ये बनी के भी पूरी दुल्हन। ये है हमारी रंगीली पिछौड़ी, मेघा के घर वाले वो देखो वहाँ से देख रहे हैं हमें। ये येलो वाला घर है मेघा का और यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा है। आज मैं पहली बार दामाद जी के रूप में आ रखा हूँ। ये देखो दुल्हन बनके शंखनाद हो गया। तो जब ये देखेंगी तभी आना जाना लगा रहेगा घर में। हाँ पर्दा तभी खुलेगा जब एक दूसरे को जब देखेंगे, तभी एक दूसरे को हमेशा के लिए देख सकते हैं। तो ये देखो पर्दा है, पर्दे के उस पार मेरी दूसरी मम्मी है और इधर मेरी मम्मी है। इसके बाद यहाँ पे से पूछा जाएगा कि मुझ ये तुम्हें ये समधीनी मंजूर है, यहाँ से कबूल है कबूल है कबूल है कहेंगे। दादी सच मान ली, दादी ने सच मान लिया। क्या कहूँगी, अगर एक बार भी किसी ने कह दिया नहीं कबूल है ना तो फिर से शादी हो जाती है। नहीं लहंगे भी छोड़े खरीदने पड़ जाएंगे। तो अभी हो रहा है समधी समधन। हमारे यहाँ पे ऐसे रिवाज होता है कि समधनी जो है वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं। तो ये है इस पर्दे के इस पर हमारे मम्मी और हमारे पापा। इतने अच्छे स्वागत के लिए थैंक यू। इस मन में बसा करना बैकुंठ तो यही है, बैकुंठ तो यही है। वो बोलो खाना खा लो, तुम कहाँ किचन में जा रहे हो, अब तुम्हारा किचन नहीं रहा हो। मैंने पापा के लिए शूज ऑर्डर करवाए और मैंने इनसे पूछा था प्लीज मुझे साइज बता दो, इन्होंने साइज बड़ा बता दिया। मैंने साइज बड़ा नहीं बताया, हर ब्रांड का अलग अलग होता है। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर करो कि आप देख कहाँ से रहे हो।